अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी उनके जो रिजल्ट्स थे, मसलन सबसे पहले हमने पढ़ा मैस, मोशन ऑफ मैस अटैच विद अ स्प्रिंग, फिर हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा, और फिर लास्टली हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा। वो तीनों बॉडीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती हैं, तो उस केस में हमें जो रिजल्ट्स मिले, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स मिले, जो हमें खसूसियात या रिजल्ट्स मिले, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। चार इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो किसके हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। चार उनकी एट्रीब्यूट्स हैं, खसूसियात हैं, आइए वो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें क्या होगा, वो अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में बॉडी अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करती है। इसका मतलब पहली एट्रीब्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी कोई बॉडी एग्जीक्यूट करेगी वो कैसे पता चलेगा, बॉडी क्या कर रही होगी, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। हमें जब भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे वो ऐसे ही कर रही होगी, अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन, जैसा कि सिंपल पेंडुलम में हमने देखा था, अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेगी, जैसा हमने मैस अटैच विद अ स्प्रिंग में देखा था कि मैस अटैच विद अ स्प्रिंग में बॉडी अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे मोशन करती है। ये हमने कुछ चीज़ें, इसी तरह हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम में देखा कि बॉडी बॉल को जब रिलीज़ किया तो वो अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे ऑसिलेट करता है। ये तीन एग्जांपल्स हमने पढ़ी जिनके अंदर हमें क्लियरली नज़र आया, क्लियरली हमने देखा कि बॉडी अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे, मेन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करती है। ये सबसे पहला फीचर है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा फीचर, दूसरी इसकी खसूसियत क्या है कि जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी उसका एक्सेलरेशन, जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी इट्स एक्सेलरेशन विल ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब इसका, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो हमने रिजल्ट भी कैलकुलेट किया था इन केस ऑफ मोशन ऑफ अ मैस अटैच विद अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ मैस अटैच विद अ स्प्रिंग में हमने ये कैलकुलेट भी किया था। तो ये दूसरा फीचर है कि जब भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते देखो तो वो हमेशा अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे मोशन रिपीट कर रही होगी। दूसरा, उसका एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये उसका दूसरा फीचर है। और तीसरा फीचर, तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि एक्सेलरेशन की मिकदार, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, जबकि उसकी कीमत, एक्सेलरेशन किसके हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की कीमत किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। एक्सेलरेशन की जो कीमत है, एक्सेलरेशन की जो कीमत है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड करती है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। इसका क्या मतलब है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे आप इसे अपनी जगह से, उतना ज़्यादा इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा
डिस्प्लेस करेंगे आप इसे, उतना ज़्यादा इसके अंदर क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द मेन पोजिशन। अब उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी कीमत डिस्प्लेसमेंट पर, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, ये हमें तीसरा फीचर। अब एक्सेलरेशन कहाँ ज़ीरो है, कहाँ मैक्सिमम है, वो भी देख लेते हैं। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो इस मोशन के दौरान एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे होगी उसकी कीमत, और मिनिमम कहाँ पे होगी। ज़रा मोशन करते हुए जिस्म को देखिए, सिंपल पेंडुलम को ही देख लेते हैं। जब ये मोशन करता है सिंपल पेंडुलम, तो आप जानते हैं ये उसकी वस्ती पोजीशन है, ये ए है और ये बी है। जब ये मोशन कर रहा होता है तो एक्सेलरेशन इस जगह पे, अपनी एक्सट्रीम जगह पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे है, एक्सेलरेशन की मकदार, क्योंकि एक्सेलरेशन इसे इस तरफ लेके आना चाहता है, और जब कोई जिसम इधर आ जाएगा तो एक्सेलरेशन का काम खत्म, एक्सेलरेशन ज़ीरो, रिटार्डेशन कमी होती जाएगी ना। तो एक्सेलरेशन की सबसे ज़्यादा भरपूर, सबसे ज़्यादा वैल्यू फिर कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पे, और इधर आते आते, इधर जाते जाते वैल्यू बढ़ती जाएगी, इधर आते आते वैल्यू कम होती जाएगी, वापसी भी वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट मैक्सिमम पॉइंट्स, एट एक्सट्रीम, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू इज़ मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम एट कहाँ पे है जी, एक्सट्रीम पोजीशंस। इसी तरह मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे होगी, एक्सेलरेशन जब कोई बॉडी एग्जीक्यूट करते यहाँ पहुँचती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे है, एट मेन पोजीशन। ये है तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर, जब भी कोई बॉडी क्या कर रही हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो, तो उसका ये तीसरा फीचर इसको फॉलो करेगी हमेशा। उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब यहाँ लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इन दो जगहों पे, और जब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा मेन पोजीशन की तरफ आते जाएँ तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये है तीसरा फीचर। चौथा फीचर है जो किसे एक्सप्लेन करेगा, वेलोसिटी को। चौथा फीचर है अबाउट वेलोसिटी। अब इस मोशन के दौरान आप देखिए वेलोसिटी जो है वो किस जगह पे मैक्सिमम है, वेलोसिटी के मतलब है। जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो उसकी वेलोसिटी कब मिनिमम, कब मैक्सिमम, कब ज़ीरो, कब मैक्सिमम, आइए देखते हैं। फर्ज कर लीजिए यही आपके पास एक बॉल एंड बाउल सिस्टम है, इसमें अगर आप इसको देख लें तो यहाँ पे बॉल जाके रुकता है ए जगह पे, बी और बी जगह पे, लेकिन जब यहाँ मूव करता है अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ, वस्ती पोजीशन की तरफ जब वो आता है तो उसकी वेलोसिटी तेज़ तर होती जाती, और जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा स्लो डाउन होता जाता। इसका मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशंस वेलोसिटी जो मैक्सिमम है वो लिखते हैं पहले, जैसे हमने एक्सेलरेशन के लिए लिखा, और मिनिमम की क्या कंडीशन है और मैक्सिमम की। मिनिमम कहाँ होगा, जहाँ बॉडी रुकेगी, जहाँ जिस्म रुकेगा उस जगह पे, जहाँ बॉडी रुकेगी उस जगह पे वेलोसिटी, जहाँ जिस्म रुकेगा ठहरेगा वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम। मिनिमम का मतलब वेलोसिटी ज़ीरो किस जगह पे होगी, एट कहाँ पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि जिस्म ने ठहरना है तो वेलोसिटी क्या होगी, या मिनिमम। और मीन पोजीशन पे क्योंकि यहाँ रफ्तार इसकी आगे तेज़ तरीन रफ्तार होगी, फिर कम होना शुरू हो जाएगी, यहाँ आते तेज़ तर और यहाँ से फिर कम होना, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम कहाँ पे है, एट मीन पोजीशन। ये एक्सेलरेशन के बिल्कुल अपोजिट है, ज़रा देख लीजिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे था, एक्सट्रीम पे, जो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, मीन पे। एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ था, मीन पे, तो वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पे, एक्सट्रीम पे। ये चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कौन फॉलो करता है, जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी इन चारों
फीचर्स को फॉलो करेगी, हमेशा वो अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट करेगी। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट कम होता जाए तो एक्सेलरेशन कम होता है। और वेलोसिटीज के मुतालिक, जब कोई बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती जाके ठहरती है तो वेलोसिटी मिनिमम, और जब मेन की तरफ आती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम। ये चार इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे। अब आइए चार इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ते हैं, जो फैक्टर्स हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जिनका ताल्लुक है। चार इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, समझ लीजिए क्वांटिटीज़ हैं, समझ लीजिए कुछ ऐसे समय वो हैं। आइए देखते हैं उन्हें। टर्म्स, फोर टर्म्स हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। पहली सबसे वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन का मतलब, अक्सर हम फोन अपने सेल फोन को वाइब्रेशन पे लगा देते हैं, तो गौर किया है वो वाइब्रेशन के मोड में क्या करता है, अपनी वस्ती पोजीशन पे बड़ी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा होता है, अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा होता है। तो वाइब्रेशन का मतलब है, अगर कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द एक कंप्लीट चक्कर लगा ले, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, मैंने यहाँ ला के से छोड़ दिया था, यहाँ ला के जिस्म को छोड़ दिया था, यहाँ से चले यहाँ पे और ये दोबारा यहाँ अपनी जगह ए पे पहुँच जाए, एक पूरा कंप्लीट, इसे क्या नाम देते हैं, राउंड ट्रिप। जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो ट्रिप का मतलब होता है जाना और वापस आना, पूरा एक चक्कर। अगर वहीं रह जाएंगे तो माइग्रेशन कहलाएगी। इसी तरह एक पूरा जहाँ से चले थे वहाँ मुड़ के वापस आना, ये पूरा चक्कर, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, किसके गिर्द ये ट्रिप हुई है, किसके गिर्द ये चक्कर लगा है, अबाउट इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के गिर्द एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, मेन पोजीशन के गिर्द एक पूरा चक्कर, एक पूरी वाइब्रेशन, पूरा एक चक्कर क्या कहलाएगा, इसको क्या नाम दिया जाता है, वाइब्रेशन। वन कंप्लीट, ये हाफ और ये हाफ, अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये है वाइब्रेशन की तारीफ, एक चक्कर अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द आगे गए और मुड़ के उसी जगह पे वापस आ गए, दैट इज क्या है जी, दैट इज नोन एज वाइब्रेशन। दूसरा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की क्या तारीफ, टाइम पीरियड वो वक्त जिसमें कोई जिस्म क्या करे, एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले। इसका मतलब एक वाइब्रेशन के दौरान जितना जिस्म को वक्त लगेगा वो वक्त क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। वो वक्त जिसमें जिस्म ने अपनी जगह से गए और लौट के वापस आ गए, जिस्म यहाँ से मूव शुरू हुआ और लौट के वापस आ गया, स्टॉपवॉच रोक दी, ये जो टाइम लगा कंप्लीट राउंड ट्रिप के दौरान, जो वक्त लगा, कंप्लीट राउंड ट्रिप तो वाइब्रेशन है, लेकिन उसमें अगर जब वक्त कैलकुलेट करेंगे यहाँ जाने और वापस आने में जो वक्त लगा है, दैट इज़ टाइम पीरियड। हमें किसी जगह जाके ट्रिप पे गए हैं और वापस आने में जितना वक्त लगेगा, दैट इज़ टाइम पीरियड। अपनी वस्ती पोजीशन के चक्कर लगाना तो वाइब्रेशन है, इस चक्कर के दौरान अगर टाइम नोट कर ले तो टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। एक वाइब्रेशन के दौरान कोई जिस्म कितना वक्त लेगा, स्टॉपवॉच से मेजर कर लेंगे, घड़ी से मेजर कर लेंगे, वो वक्त उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉडी क्या जी, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के दौरान जो वक्त लगेगा वो वक्त क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तीसरा फैक्टर, और टाइम पीरियड को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी के साथ। ये खास इसका सिंबल है, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। नेक्स्ट जी थर्ड वन, तीसरी है जी फ्रीक्वेंसी। तीसरी टर्म है जिसका ताल्लुक
सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ है, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। फ्रीक्वेंसी तादाद है, किनकी तादाद है? वाइब्रेशंस की। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसानी कान का पर्दा एक सेकंड में 20,000 दफ़ा वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है। इसी तरह से मुख्तलिफ जिस्म मुख्तलिफ वाइब्रेशंस करते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर आपको क्या जी टाइम दे दिया जाए, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी देर के अंदर, अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए, एक सेकंड क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। फ्रीक्वेंसी के लिए वक्त क्या होता है, फिक्स कर दिया जाता है। एक सेकंड के अंदर कोई जिस्म जितने चक्कर लगा लेगा अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द, कोई जिस्म एक सेकंड का हद टाइम मैक्सिमम कर दिया है, इस टाइम के अंदर आपने क्या करना है, जितने मर्जी चक्कर लगा लो। हो सकता है कोई जिस्म आधा लगाए, कोई चौथाई हिस्सा कंप्लीट करे, कोई 10 लगा चुका हो, तो 20 लगा चुका हो। जैसे एटम्स जो हैं लेटेस्ट वाइब्रेशन है, वो लाखों चक्कर लगा लेते हैं विद इन सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर। इसी तरह बड़े जिस्म जो हैं वो अभी यहाँ चल पाते होंगे तो टाइम सेकेंड गुजर जाएगा। सो टाइम वो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड के अंदर कोई जिस्म कितनी वाइब्रेशंस करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस टेकन बाय अ बॉडी इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के कितने चक्कर लगाएगा, आधा लगाया, 4 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, हाफ लगाया, कितने लगाए, वो चक्कर क्या कहलाएंगे, उनकी तादाद क्या कहलाएगी, वो हमें क्या कहलाएगी, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में क्या ताल्लुक है, दे आर रेसिप्रोकल, एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो 1 ओवर टाइम पीरियड करिए, फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। ये है फ्रीक्वेंसी। लास्टली आखिर पे है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड कहते हैं किसी जिस्म को हम अपनी वस्ती पोजीशन से उठा के जितना एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, वो चाहे लेफ्ट राइट साइड पे हो, वो चाहे लेफ्ट साइड पे हो, तो क्या कहेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन ईदर साइड किसी भी साइड पे फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ईदर साइड, दोनों साइडों में किस तरफ मर्जी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना हम उसे उठा के छोड़ेंगे, स्विंग है झूला, झूले को जितना हम पीछे लेके जाएंगे, वो उसका मीन पोजीशन से क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। छोड़ने पे कभी भी वो जिस्म दोबारा ऊपर तक उधर तक नहीं जाएगा, भी नीचे रहेगा, ऐसा ऐसा नीचे नीचे और स्लो डाउन होता रुक जाएगा। एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जहाँ तक हम जिस्म को अपनी मेन पोजीशन से हटा के लेके जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लेगा तो उलट के चक्कर बन जाएगा, सर्कल, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर तो नहीं है, सर्कुलर जैसी है लेकिन इसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्राम मेन पोजिशन ऑन ईदर साइड या ए की तरफ या बी की तरफ, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी को दिया जाता है, किस मकसद के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाने के लिए, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड। ये थी चार इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनका ताल्लुक किसके साथ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि हमने शुरू में इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़े सिंपल हार्मोनिक मोशन की, अभी हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जस्ट 4 फीचर्स लिखने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह से ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखिए, जो करेक्टराइज़ करती हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाइब्रेशन, फिर टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। आज के लिए इतना ही। मज़ीद हमारी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हैसम अकेडमी। थैंक यू।